दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल बदन स्वागत करता हूं आपका। झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभी आई हुई है, जो लोग भरने वाले हैं उनके लिए जानकारी बहुत उपयोगी होगा, ठीक है, कि सिलेबस कैसा है, किस किस तरह का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, दौड़ है, एग्ज़ाम मेडिकल है तो किस प्रकार से होगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो किस प्रकार से चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आप अनरिजर्व्ड में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, तो आपको ईडब्ल्यूएस जो है वो बनवाना चाहिए जो अनुमंडल अधिकारी है, ठीक है, या फिर उपायुक्त है, वो आप उसके ऑफिस से बना होना चाहिए, वो मान्य होगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी निवास तो सभी को चाहिए जो झारखंड के निवासी हैं, तो जो निवास प्रमाण पत्र है वो अनुमंडल अधिकारी का होना चाहिए, उसी ऑफिस से बनकर तैयार हुआ होना चाहिए, ठीक है, फिर ही वो मान्य होगा। इसके बाद अगर जाति प्रमाण पत्र की बात करें, BC1 BC2, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST किसी के लिए भी, तो वो भी जो है अनुमंडल अधिकारी के ऑफिस से बनकर तैयार हुआ होना चाहिए। 2019 के बाद का सारे डॉक्यूमेंट्स हो तो बहुत अच्छा होगा इसमें, ठीक है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और सही रहेगा, ठीक है। अभी बात करेंगे कि सिलेबस कैसा रहेगा, तो देखो सिलेबस जो है वो झारखंड एकमात्र ऐसा स्टेट नहीं कहेंगे, हालांकि बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें, लेकिन फिर भी इस झारखंड जो है वहाँ पे झारखंड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो फटाफट अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या पूछेगा। देखो दो एग्जाम होगा इसमें, ठीक है, दो तरह का, एक क्वालिफाइंग नेचर का, एक स्कोर का, ठीक है। जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा उसमें आपको सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे हिंदी का या संस्कृत का, बंगाली का, ठीक है, उड़िया का, और जो स्थानीय वहाँ का भाषा है जैसे खोरठा है, ठीक है, फिर खड़िया है, तो इन सब भाषाओं का एग्जाम होगा, जो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। ये 30% आपको ला करके क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ही जाके पेपर 2 जो है एक दूसरा वो चेक होगा, और उसके आधार पे आपका स्कोर बनेगा। अगर आप पहले पेपर पे क्वालिफाई नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन नहीं सही करेंगे, तो आपका पेपर 2 क्वेश्चन जो है वो मतलब चेक ही नहीं होगा और कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछेगा, तो उसमें भी एक सेम सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, हिंदी या मतलब दिया जाएगा मतलब चुन सकते हो, ठीक है, हिंदी चुन सकते हो आप, संस्कृत चुन सकते हो आप, ठीक ठीक है। एक जो पेपर 2 है उसमें भी 2 है, एक पेपर 1 पेपर 2, पेपर 2 में भी 2 पेपर है, एक पेपर जो सब्जेक्ट का रहेगा, विषय का रहेगा, जैसे हिंदी, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, उड़िया या खड़िया जो स्थानीय भाषा है, खोरठा, ठीक है, बंगाली, इसके साथ साथ रहेगा एक GS का पेपर उसके साथ, जो 25 क्वेश्चन का रहेगा, और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों रहेंगे, 50 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन पहले वाला था पेपर 1 का वो क्वालिफाइंग नेचर का, और पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चन है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें स्कोर करके आपको मेघा सूची में आप आएंगे, ठीक है, मतलब स्कोर उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। 300 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि जो पेपर क्वालिफाइंग का नेचर का है उसका नंबर जुड़ेगा क्या, तो 31% से लेकर के, ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए 35 नंबर 38 नंबर लेके आते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर 41 से लेकर 50 तक लेके आएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, मतलब 48 नंबर 47 नंबर ऐसे लेके आए, 47 से 47 क्वेश्चन सही किए तो 2 नंबर, इसी प्रकार से 51 से 60 नंबर के लिए 3 नंबर, ठीक है, 61 से 70 नंबर के लिए 4 नंबर, इसी प्रकार से 100 तक जाएंगे आप, लगभग 7 नंबर तक आपको 1 2 3 4 5 7 नंबर तक मिलेगा, ठीक है। अभी अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो हमसे आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो कमेंट के माध्यम से, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।